तो सो हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं राजदीप, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन बनाने के तीन और टूल। हम इससे पहले वाली वीडियो में कुछ टूल्स देख चुके हैं, लेकिन हम और एडवांस टूल्स को इस वीडियो में देखेंगे। सो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारे पास जो पहला हमारा टूल है वो है लासो टूल। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे थे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलेप्टिकल मार्की टूल और ये सारे टूल्स। तो अगर मैं रेक्टेंगल से बनाऊं तो मेरे पास थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मुझे बार बार ऐसे ऐड करके ऐसे सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको मान लो कोई पेचीदा आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लासो टूल का। अब लासो टूल का काम क्या होता है बेसिकली, कि आप इसको फ्री फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब फ्री फॉर्म क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास इमेज है और मेरे को सिलेक्शन बनाना है, तो ये मैं इस तरीके से यहाँ इसे क्लिक करके मैं यहाँ पर इससे सिलेक्शन बना सकता हूँ। ये इस तरीके से फटाफट आप मेरे को सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से मैं कोई भी सिलेक्शन यहाँ पर बना दूंगा। ये ऐसे करके मैंने सिलेक्शन बना दिया, कंट्रोल डी दबाने से हट जाएगा। तो आप इसका यूज़ करके फटाफट सिलेक्शन बना सकते हैं। ये क्लिक कर किया 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 मैंने, और ये मैंने सिलेक्शन बना दिया। और आपको यहाँ क्या करना होता है कि एंड पर आपको आकर इसको छोड़ना होता है, या अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे, आपने ऐसे करके ऐसे बना दिया तो ये अपने आप लाइन यहाँ ड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो जो लासो टूल है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फटाफट आपको अगर सिलेक्शन बनाना है उसके लिए, मतलब कोई चीज़ को कट करना है, जल्दी से कट करना है, तो आप लासो टूल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर हम लासो टूल का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इतनी सफाई नहीं मिलती। अब मान लो एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुझे यहाँ से ऐसे हाथ से ड्रॉ करना है, तो मुझे क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करना होगा, तो आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन है वो इतना अच्छा सिलेक्शन यहाँ नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे पास हमारा जो फ्री फॉर्म में आपको सिलेक्शन बनाना होता है। लेकिन कहीं भी क्विक सिलेक्शन अगर बनाना हो तो वो यहाँ पर आपको काम में आता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टूल जो है वो है पॉलीगन लासो टूल। तो गैस मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टूल है, और सबसे अच्छा सिलेक्शन बनाने में ये आपको काम आता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको क्लिक कर करके आपने सबसे पहले शुरुआत की, तो आपको इस तरीके से क्लिक करना है, फिर आपको आगे बढ़ाना है, उसको ड्रैग करना है, फिर क्लिक 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 करना है। जहाँ भी आपको इसको टर्न करना है वहां से आपको क्लिक करना है, तो एक पॉइंट बन जाएगा और वहां से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक, फिर यहाँ क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया। तो गाइस इस वाले टूल का जो फायदा है वो ये है कि इससे बहुत ही ज्यादा क्लीन आपके सिलेक्शंस बनते हैं। आपको कोई भी स्क्वायर इमेज, या स्क्वायर नहीं भी हो, सर्कुलर भी हो, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, तो आप देखेंगे कि इससे जो सिलेक्शन बनता है वो बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन बनता है। और अगर मान लो आपने गलती से कहीं गलत जगह क्लिक कर दिया तो उसका आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको बैकस्पेस दबाना है। मैं जूम करता हूँ, आपको बैकस्पेस दबाना है, ऐसे बैकस्पेस दबा के ये आप पीछे जा सकते हैं, इस तरीके से बैकस्पेस दबा के ये आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे जो सिलेक्शन बनते हैं बहुत ही अच्छे सिलेक्शन बनते हैं, और बहुत ही सफाई से सिलेक्शन बनते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये सिलेक्शन में, ये तो अब जल्दी जल्दी सिलेक्शन बना के बता देता हूँ, और इस तरीके से आप ये, तो गैस आपको कोई भी एकदम क्लीन अगर सिलेक्शन बनाना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा ये वाला जो टूल है उसको यूज़ करना चाहिए, पॉलीगन लासो टूल को, ठीक है। आखिरी में आपको क्या करना होता है, जब आपको सिलेक्शन कंप्लीट करना है तो जो जिस पॉइंट से आपने शुरुआत की थी उस पॉइंट पर आकर आपको इसको टच करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं उस पॉइंट पर इसको होवर करूंगा या पहुंचूंगा, तो यहाँ पर मुझे कि सर्कल, छोटा सा सर्कल यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। आप देख रहे होंगे सर्कल दिख रहा है, इसको जैसे क्लिक करूंगा तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया नई लेयर बना सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ जो चाहूँ मैं इसके साथ, इसको मैं लेयर भी कॉपी कर लेता हूँ, देखे तो आप देखेंगे कितना अच्छा सिलेक्शन मेरा यहाँ बन गया, और मैंने बहुत जल्दी में बनाया ये आप देखिए। अगर मैं इसे और आराम से बनाऊं तो एकदम डिटेलिंग जो है वो मैं बहुत डिटेल के साथ बना सकता हूं। अभी इसका कुछ एरिया कट हो गया होगा, लेकिन अगर मैं बहुत आराम से इसको बनाऊं तो बहुत ही डिटेलिंग मेरी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस इसको डिलीट करता हूं, और ये था पॉलीगन लासो टूल। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है, मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली ये करता है कि आपको क्लिक करना है
और एक बार आपने क्लिक किया फिर आपको सिंपली ड्रैग करना है, ठीक है, आपको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एजेस को डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर एज है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहीं भी क्लिक नहीं किया है और मैं फिर सिंपली इसको ड्रैग कर रहा हूँ और ये अपने आप यहाँ पर ये ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तो मैं बैकस्पेस दबाकर वापस से इस तरीके से, मैग्नेटिक लॉसो टूल है, ऐसे जाकर इस तरीके से, आप चाहते हैं क्लिक करके भी इसको पाथ दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, एजेस को डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक ये इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, तो मैं बैकस्पेस ले लेता हूँ, इस तरीके से ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है गाइस। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि मान लो ये बहुत सारी गलतियां भी कर देता है, मान लो कि आपका स्ट्रक्चर ये कुछ एजेस जो ऐसी हैं जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और वहां पर ये थोड़ा सा गलत कर देता है, लेकिन अगर आपके रेक्टेंगुलर शेप्स हैं तो वहां पर ये ऑप्शंस बहुत काम में आता है। और ऐसे शेप्स हैं जहां पर बैकग्राउंड में कुछ कलर अलग है और आपका ऑब्जेक्ट है उसका कुछ कलर अलग है, तो ये ज्यादा इजीली सिलेक्ट कर पाता है। तो ये जो तरीका है मैग्नेटिक लासो टूल, ये पॉलीगन लासो टूल से ज्यादा फास्ट है और आप जल्दी इससे काम कर सकते हैं। पॉलीगन लासो टूल से आप जल्दी इतना जल्दी बना सकते हैं, लेकिन जितना मैग्नेटिक लासो टूल से आप जल्दी कर सकते हैं उतना पॉलीगन से नहीं कर सकते, लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सिलेक्शन बनाएं तो पॉलीगन लासो टूल का ही यूज करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।